हाय एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको झटपट मज़ेदार सा मार्बल केक बनाना सिखाऊंगी जो नहायत ही उम्दा और मज़ेदार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 2 कप चीनी चाहिए, 2 कप मैदा, 4 अंडे रूम टेम्परेचर पे, 2 टेबलस्पून बटर, 1 कप ऑयल, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर चाहिए होगा। चार अंडे डालेंगे अब इसमें। अब हम इसे बीट कर लेंगे। बीट कर लिया है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं, बहुत आसानी से और अच्छे से हो जाएगा। 2 कप चीनी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। मैंने 4 से 5 मिनट तक इसे बीट किया है, ऐसा टेक्सचर हो गया बीट करके। मैंने अंडे और चीनी को बीट करके साइड पर कर दिया है। अब हम 2 कप मैदे में 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें। और चीनी में, अब चीनी और अंडे में 1 कप तेल ऐड करें, 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, ऐड कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि सारी चीजें डिसॉल्व हो जाएं, सब कुछ ऐसा टच जाए। थोड़ा सा बैटर हम इस कॉली में अलग कर लेंगे। ऑयल का पैकेट से पाइपिंग बैग बनाया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑयल के पैकेट को खाली करके इसको पाइपिंग बैग की शक्ल में काट दें और इसको पाइपिंग बैग के तौर पर इस्तेमाल कर लें। अब मैं इसमें चॉकलेट वाला मिक्सर ऐड करूँगी। मैंने इसमें चॉकलेट वाला मिक्सर ऐड कर दिया है। अब मैं इसे इसकी टिप से काट लूँगी थोड़ा सा। अब मैं केक पैन में दोनों मिक्सर्स को रैंडमली डालूँगी। अब इसी तरह हम बाकी की लेयर्स लगा लेंगे। अब मैंने सारी लेयर्स लगा ली हैं। मैंने पाइपिंग बैग के जो टिप है और ज़्यादा काट ली है। अब हम इस तरह इसको
उसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग करेंगे। अब इसको हम बाहर की तरफ से बैम्बू स्टिक की मदद से ऐसे करेंगे, इसको साफ करेंगे। मैंने जब बैटर बनाना शुरू किया था तब मैंने पतीले के अंदर नमक की तह लगाकर ऊपर स्टैंड रख दिया था और उसे मीडियम फ्लेम पर प्री हीट हो रहा है उस वक्त से। अब हम इसे 50 to 55 मिनट तक बेक करेंगे। केक बेक हो चुका है, अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए कितने आराम से निकल गए। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक ठंडा हो चुका है, अब मैं इसका बटरे पे उतार दूंगी। कितने आराम से, कितने मजे से उतर गया है। ये देखिए कितना नरम है। ये देखिए ऐसे ऐसे करते हुए अंदर भर जाता है। सुबह नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत मजा आएगा। आप ऐसे भी खा सकते हैं। आप मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी कैसा बना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।